सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो भाई लोग? आज मैं तुम लोगों के साथ एक बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कैसा लगता है पहली बार के लिए कंप्यूटर पे एक बहुत ही बढ़िया गेम ट्राई करना, वो भी फुल हाई एंड ग्राफिक्स के साथ। ऐसा कंप्यूटर तो हमारे स्कूल में हुआ करता था। अब मैं देखा, ये भी हैंग कर गया। वेट, मैंने जिस पीसी पे ट्राई किया था वो एक बहुत ही हाई एंड पीसी था, और उसके लिए मेरे को अलग से पैसे भी देना पड़ा था। यू नो, हमारे जेनरेशन का अर्ली स्टेज गेमिंग शुरू होता एक कीपैड मोबाइल से, और मैंने पता नहीं उसमें कितने सारे गेम्स खेले। उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग कीपैड मोबाइल्स हुआ करता था जिसमें हम लोग गेम खेलते थे। कुछ डिवाइस में गेम्स प्री इंस्टॉल आया करता था, और कुछ डिवाइस में हम लोग को गेम बाहर से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता था। और मेरे पास था ये नोकिया के मोबाइल जिसमें मैंने 100 से भी ज्यादा गेम डाउनलोड करके खेला था। ये बात है आज से लगभग 12 साल पहले की, जब एंड्रॉइड के नामो निशान नहीं था और सोशल मीडिया, यूट्यूब ये सब कहाँ पे था, देयर वाज नथिंग। और आज देखो, नथिंग नाम का फोन है। समझ गया। जितने भी लोग मेरे जेनरेशन से बिलोंग करते दे कैन रिलेट विद मी। और आजकल तो हर किसी के पास एंड्रॉइड है जिसमें 90% कचरा गेम्स है। मतलब सच में आजकल प्ले स्टोर खोलने के बाद मैं सोचने में पड़ जाता हूँ कि ये क्या है, ये गेम्स का लिस्ट है या फिर ये मजाक का लिस्ट बना के रखा है। बाय द वे, मैं बात कर रहा था अर्ली स्टेज गेमिंग का। उस टाइम पे एक और चीज बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, एंड दैट वाज गेमिंग कैफेस। सिर्फ 10 से 20 रुपया देकर 1 से 2 घंटे के लिए बढ़िया पीसी गेम्स ट्राई करने को मिलता था। उस टाइम में मैंने बहुत सारे गेम्स ट्राई किया था पीसी में, और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स हुआ करता था, लाइक बहुत अलग अलग शूटिंग गेम्स, रेसिंग गेम्स, और बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था ओपन वर्ल्ड गेम्स लाइक GTA के, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, ये तो बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। हर किसी ने एक बार ना एक बार तो खेला ही होगा ये गेम। बट यू नो, गेमिंग कैफेस का एक लिमिटेशन होता है, लाइक कितने पैसे दे सकते हैं गेम्स खेलने के लिए, राइट? मेरे को बस वीकेंड्स में जाने का मौका मिलता था गेमिंग कैफेस पे, और कितने टाइम के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। तो ये सारे प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक गेमिंग पीसी दिला दिया, जिसमें मैंने जम के गेमिंग किया। फिर दिन में गेमिंग, रात में गेमिंग, चारों तरफ बस गेमिंग कर रहा था मैं। वेट, तुमको ये सारे बातें सच लग रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ? लाइक मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पीसी दिला दिया और मेरे से ये बताया कि आओ बेटे इसमें गेम खेलो, दिन में खेलो, रात में खेलो, और सोने की जरूरत नहीं है। खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है। एक्चुअली मेरे को पीसी मिला था अराउंड 2018-19 के बीच में, और वो मिला था एडुकेशन पर्पस के लिए ऑब्वियसली। फिर भी मैंने उस टाइम पे चोरी छुपे बहुत सारे गेम्स ट्राई किया अपने पीसी पर, लाइक फार क्राई के गेम्स, IGI, हिटमैन के कुछ गेम्स तो पीसी के औकात में भी नहीं आ रहा था, एंड फिर भी मैंने ट्राई किया, जिसके वजह से वो शायद आखिरी सांसें ले रहे अभी के टाइम पे मेरे पास। तो ये था जो मैंने बताया पूरा मेरा गेमिंग के हिस्ट्री, मैंने कौन से गेम्स खेले, कैसे खेले, कौन से डिवाइस में खेले, कंप्यूटर गेम्स कहाँ पे खेले। बट अभी रियल टाइम में आते, कुछ दिन पहले मेरे को थोड़ा सा मन हो रहा था कि भाई इतने टाइम हो गया मैं पीसी के में गेम्स वगैरह नहीं खेल रहा, तो क्यों ना थोड़ा सा फिर से ट्राई करें। और किसी ने मेरे को एक गेम सजेस्ट भी किया था यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन पे कि भाई ये गेम ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि चलो ये गेम ट्राई करके देखते हैं। तो मैं ऑनलाइन सर्च करने लग गया कि मेरे आसपास कोई गेमिंग कैफे है कि नहीं। पता चला कि बहुत सारे कैफेज है, लेकिन उनमें से ज्यादातर फालतू है। बट एक गेमिंग कैफे मिला जो एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया था। मेरे घर से अराउंड 1.5 घंटे का बस में ट्रैवल करना पड़ता है उस कैफे में जाने के लिए, और मैंने उधर गया एक दिन, मैंने वो गेम ट्राई किया। उस कैफे का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया था, और पीसी का सेटअप तो उससे भी बढ़िया था। और ये सच में पहली बार था जब मैं कोई इतना ज्यादा हाई एंड गेम ट्राई कर रहा था, वो भी इतने भयंकर सेटअप पे। मेरे को ये गेम खेल के सच में बहुत ज्यादा मजा आ गया, और इसी गेम का गेम प्ले तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप कि तुम लोग को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा जब मैं इसका वीडियो डालूंगा। बाय द वे, तुम लोग इस गेम को गेस कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, ये कौन सा गेम है। और आज का वीडियो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या सून। Ayo, drop that shit.